वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस बुरी का अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारे भारत के महान समाजशास्त्री और साथ ही साथ समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक रहे हैं। जी एस गुरी का मैंने आपको पूरा नाम भी बताया था। जी एस गुरी का पूरा नाम है गोविंद सदासिव गुरी। इन्होंने 25 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जो कि सभी समाजशास्त्र के ऊपर लिखी गई थी। ये बात हम उनके लाइफ इंट्रोडक्शन में यानी जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं। 800 से अधिक स्टूडेंट्स को इन्होंने एमए में शोध निर्देशन के लिए गाइड किया, साथ ही साथ 87 विद्यार्थियों को जी एस गुरिये ने डॉक्टरेट के लिए शोध हेतु निर्देशित किया था। तो इस रूप में जी एस गुरिये यानी गोविंद सदाशिव गुरिये जो है एक महान पथ प्रदर्शक और महान सामाजिक विचारक कहलाते रहे। भारत में समाजशास्त्र को विस्तृत रूप से फैलाने का जो कार्य किया है वो गोविंद सदाशिव गुरिये ने ही किया है। गोविंद सदाशिव गुरिये ने जाति व्यवस्था पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने जाति प्रथा पर अपने विचार अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में प्रतिपादित किए। कौन सी पुस्तक में? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये बुक जो है इनकी एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर उनकी पुस्तकों के नाम आते हैं तो उनमें ये भी पूछी जाती है कि कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है किसकी पुस्तक है, सोशल ट्राइब्स जो है किसकी पुस्तक है। ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें किसकी है? स्ट्रेंड्स जी एस गुरिये की। तो उन्होंने जाति व्यवस्था पर जो अपने विचार प्रकट किए वो कौन सी पुस्तक में किए? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। सबसे पहले यदि हम जाति व्यवस्था को शाब्दिक दृष्टि से देखें तो जाति शब्द जो है इंग्लिश के कौन से शब्द से बना है? कास्ट, यानी अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद जो है वो क्या है? जाति है। जाति शब्द यानी कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा से उत्पन्न माना जाता है। यानी पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है कास्टा, उससे किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? जाति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले जाति शब्द की जो खोज की है वो 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा की। जाति शब्द की जो खोज है वो सबसे पहले ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा खोज की गई। इसके बाद ग्रेसिया डी ओरेटा ने कब किया था? 1665 में। इसके बाद फ्रांस के अपे डुबाई ने जो समाजशास्त्री है उन्होंने जाति को प्रजाति शब्द के संदर्भ में संबोधित किया। इस प्रकार जाति का इंग्लिश शब्द जो है वो है कास्ट। कास्ट की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है। और इस जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया था। इसके बाद फ्रांस के अपे डुबाई ने इसे प्रजाति शब्द से संबोधित किया, या जाति शब्द को प्रजाति शब्द से संबोधित किया था। परिभाषा के हिसाब से हम देखें
तू मजुमदार और मदान चोर है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दी है इन्होंने, और इस परिभाषा के द्वारा इन्होंने गागर में सागर की तरह समझाने का प्रयास किया है। मजुमदार और मदान की जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो है वो है जाति एक बंद वर्ग है। जाति कौन सा वर्ग है? एक बंद वर्ग है। मजुमदार और मदान में जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक में दी है। क्या कहा उन्होंने? कौन सी पुस्तक? मजुमदार और मदान की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने जाति की परिभाषा लिखी है कि जाति एक बंद वर्ग है। मैंने आपको बताया ये परिभाषा जितनी छोटी है उतनी इसका जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। जाति कैसा वर्ग है? बंद वर्ग है। बंद क्यों है? क्योंकि एक बार यदि व्यक्ति जाति में जन्म ले लेता है तो आजीवन जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये मजुमदार एवं मदान ने कहा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो भी स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और अक्सर आती है। पूले, पूले की द्वारा डेफिनेशन दी गई है पुस्तक की, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पूले ने जो डेफिनेशन दिए वो ये दिए कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है, वह क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। यानी वर्ग जो है किस पर आधारित है? आनुवंशिकता पर आधारित है, और आनुवंशिकता पर जो चीज आधारित है यानी वंशानुगत आधार पर जो चले आ रही है वो है जाति। एक बात यहाँ पर और बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स में कि जब जातियां नहीं पाई जाती थी तो उससे पहले क्या पाई जाती थी? वर्ण पाए जाते, पाए जाते थे, वर्ण पाए जाते थे। जाति में जो चीज थी वही प्रतिबंधता यानी कंट्रोल, नियंत्रण जो है वर्णों में भी पाया जाता है। वर्ण कितने थे? चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब जातियां नहीं पाई जाती थी तो जातियों से पहले ये वर्ण ही पाए जाते थे। इन वर्णों के भी पेशे, अंतर्विवाह, सारी चीजें जो थी वो इनके अंदर ही पाई जाती थी। ब्राह्मण जो थे वो अध्यापन का कार्य करते थे, क्षत्रिय जो थे वो देश की रक्षा करने का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र जो थे वो सबसे निम्न वर्ण था, वो इन तीनों जो ऊपरी वर्ण थे उन सबकी सेवा करने का कार्य करते थे। धीरे धीरे जब वर्ण में परिवर्तन आया तो वह किस रूप में परिवर्तित हो गया? जाति में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार जी एस गुरी ने जाति की परिभाषा में ज्यादा नहीं उलझकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाति की विशेषताओं के आधार पर अपने विचार को प्रकट करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कितनी विशेषताओं का? बुरिए ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है कि बुरिए के द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जाति से संबंधित विचार जो है वो कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किए गए हैं, ये सब आप याद रखिए।
विशेषता है जो है, सबसे पहली विशेषता जो बुरी के द्वारा दी गई वो आती है, वो ये आती है कि समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति क्या करती है, पूरे समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर देती है, यानी एक जाति जो है उसकी विभिन्न उपखंड हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो जाति जो होती है वो सिर्फ अपनी ही जाति के प्रति जो होती है सामुदायिक भावना जो होती है उसकी वो समाप्त हो जाती है। उस समय वो चाहती है कि सिर्फ अपनी ही जाति का भला हो, यानी उसकी पद प्रसिद्धियां भूमिकाएं सब कुछ जो होती है उस जाति के आधार पर सिमट कर रह जाती है, तो उसी के आधार पर उसका पद और भूमिकाएं निश्चित होती है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो कार्य है पाठ पूजा अध्ययन अध्यापन जाति में, तो ये ब्राह्मण जाति में सबसे उच्च मानी जाती है, अभी तक भी उसका स्थान जो है फिक्स है। जब वर्ण पाए जाते थे तब भी यही था कि उसका स्थान फिक्स था, वो प्रथम स्थान पर पाई जाती थी, प्रथम वर्ण कहलाती थी, वो वर्तमान में जातियों में विभाजित हो चुका है समाज, तो वहाँ भी यही है कि समाज का जो खंडों में विभाजन हुआ है वहाँ प्रत्येक जाति जो है अपनी जाति के प्रति भी निष्ठा रखती है, अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में जो वर्णित किया है उन्होंने वो बताया संसर्ग। संसर्ग का मतलब होता है उच्चता एवं निम्नता का क्रम। क्या होता है संसर्ग का मतलब, उच्चता एवं निम्नता का क्रम, यानी उच्च एवं निम्न क्रम में विभाजित होती है। समाज में जो जातियां हैं वो उच्च और निम्न क्रम में विभाजित रहती है। मैंने आपको बताया ब्राह्मण जो है सबसे उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, शूद्र जो है वो सबसे निम्न स्तर पर पाया जाता है। तो इस प्रकार उच्चता और निम्नता का जो भाव रहता है समाज में जाति में वही क्या कहलाता है, संस्तरण कहलाता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो बताई है गुरी ने वो ये बताई है संस्तरण। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है गुरी के द्वारा जाति के लिए वो आता है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जो विभिन्न जातियां पाई जाती है जिनका की विभिन्न खंडों में विभाजन हो चुका है, साथ ही साथ उनमें उच्चता और निम्नता की भावना पाई जाती है, तो उन जातियों में भी भोजन करने तथा सामाजिक सहवास से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं। कौन सी जाति किस जाति के यहाँ भोजन करेगी, कच्चा भोजन और पक्का भोजन यानी दाल चावल इत्यादि, इस प्रकार के भोजन को कच्चे भोजन में सम्मिलित किया जाता था, तो इस प्रकार के भोजन को कौन सी जाति किसके यहाँ करेगी, यानी उच्च जाति ब्राह्मण जाति के यहाँ बना हुआ भोजन जो है निम्न जातियाँ जो होती थी यानी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो भी जातियाँ हैं वो ब्राह्मण के यहाँ बना भोजन ग्रहण कर सकती थी, किंतु शूद्र यानी सबसे निम्न जाति जो है उसके हाथ का जो बना भोजन है वो उच्च जातियां यानी ब्राह्मण जो है ग्रहण नहीं कर सकते थे। एक साथ उठना बैठना उन पर भी प्रतिबंध पाया जाता था, हुक्का भी पीना वो भी उच्च जातियों और निम्न जातियों में विभाजित था कि उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ बैठकर किसी प्रकार का भोजन नहीं करेगी, किसी के साथ हुक्का बीड़ी इत्यादि नहीं पी सकती थी। तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता। चौथी जो गुरिये के द्वारा महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है वो नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, यानी धर्म से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित निर्योग्यता। निर्योग्यता का मतलब क्या है, प्रतिबंध। क्या है निर्योग्यता का मतलब, प्रतिबंध। प्रतिबंध किस पर पाए जाते थे, निम्न जातियों पर पाए जाते थे, यानी निम्न जातियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध थे कि उन्हें किस प्रकार सार्वजनिक कुओं सार्वजनिक तालाबों सार्वजनिक स्थलों पर जाने की मनाही थी, साथ ही साथ मंदिरों में पूजा करने की भी निम्न जातियों को मनाही थी। तो ये मनाही जो थी ये निर्योग्यताएं जो थी ये सारे प्रतिबंध जो हैं
वो केवल और केवल निम्न जातियों पर पाए जाते थे, इसकी बजाय जो उच्च जातियाँ थी उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो नगर के अंदर रहेगी। साथ ही साथ साय का जो समय होता था, दक्षिण भारत में कुछ जातियाँ जो है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या साय के समय निम्न जातियों को निकलने की मनाही थी। क्यों मनाही थी? क्योंकि उच्च जाति ये सोचती थी कि जब किसी निम्न जाति की परछाई उनके ऊपर पड़ जाती है तो उससे उच्च जाति जो है अपवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार उन्हें सायकाल के समय जब परछाई का आकार बड़ा हो जाता था उस समय निम्न जातियों को निकलने की मनाही होती थी नगर में से। तो इस प्रकार उन पर विभिन्न योग्यताएं लादी गई थी, प्रतिबंध लादे गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि सन 1955 में जब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना उस समय इनकी जो योग्यताएं थी या जो प्रतिबंध थे विभिन्न प्रकार के उनमें थोड़ी कमी आई। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जब बनाया गया 1955 में उसके पश्चात और उस समय फिर ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उनमें भी कमी आई और धीरे धीरे उनके निम्न जातियों के प्रतिबंध जो है वो हट गए। पांचवी और महत्वपूर्ण विशेषता जो गुरु ने बताई, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी जिस जाति का जो पेशा है वो उसे ही करना है। उसके फादर दादा पिता चमड़े का व्यवसाय करते आए हैं उनको भी आगे यही चमड़े का व्यवसाय करना है। ब्राह्मण जाति है अध्ययन अध्यापन का कार्य करती आई है तो उनको यही कार्य करना है। उन्हें किसी तरह का अन्य व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं था। जो उनका व्यवसाय आनुवंशिकता के आधार पर चला आ रहा है वही व्यवसाय प्रत्येक जाति का फिक्स था, उन्हें वही व्यवसाय करना होता था। छठी और अंतिम विशेषता जो गुरी ने बताई है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और हम देखते हैं वर्तमान में भी इसका पालन तो किया जाता है लेकिन हाँ कुछ कमी इसमें आई है। विवाह संबंधी प्रतिबंध, यानी विवाह से संबंधी संबंधित भी प्रतिबंध पाए जाते थे कि एक जाति का जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत पाई जाती थी और यदि जाति से संबंधित जो भी नियम होते थे उन नियमों का यदि पालन नहीं होता था तो उन्हें जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। तो इस प्रकार गुरिये ने जाति व्यवस्था पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। साथ ही साथ उन्होंने ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई है वो वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में जाति में विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार जी एस गुरी की जाति व्यवस्था पर जो विचार है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।